गिर सोमनाथ के समंदर में भारत सरकार के सहयोग से 3 संस्थाओं के द्वारा अरब समंदर में वेव राइडर बोयू लगाया गया है, जिससे मछुआरों को काफी आसानी होगी। गिर सोमनाथ के अरब सागर में समंदर की लहरों पर नजर रखने के लिए वेव राइडर बोयू लगाया गया है। इस बोयू की मदद से मछुआरों को काफी आसानी होगी। सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ फिशराइज टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑक्सीजन इन्फॉर्मेशन सर्विस तथा राष्ट्रीय महासागर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक ऐसा उपकरण स्थापित किया गया है जो समुद्र में उठने वाली लहरों से संबंधित जानकारी देगा। 200 किलो वजन के इस उपकरण का व्यास 1 मीटर है। यह वेव राइडर बोयू वायरों के साथ जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बड़ी लहरों के बारे में इसे पूर्व ही अनुमान लगाया जा सकता है। हाल में इसे सोमनाथ मंदिर से 15 मीटर समुद्र क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिससे भारतीय तट रक्षक दलों के अलावा मछुआरों को भी मदद मिलेगी। बोयू यह भी बताएगा कि समंदर में किस दिशा में ऊंची लहरें आने वाली है, समुद्री तूफान और उसके प्रकार के बारे में भी इसे पता लगाया जा सकता है। INCOIS संस्था के द्वारा इस उपकरण की स्थापना के लिए फंड एकत्रित किया गया था। भारत के पूर्व और पश्चिम समंदर किनारों पर ऐसे 16 वेव राइडर बोयू लगाए गए हैं। हमारा संस्थान में अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 3 इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट है। एक हमारा CIFT और सेकंड वाला इनकोइस करके एक इंस्टीट्यूट है, वो हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और तीसरा है NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ये 3 इंस्टीट्यूट मिला के एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इसमें वेव राइडर बॉय करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है। ये इंस्ट्रूमेंट इसके पहले पोरबंदर में था, और जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इनकोइस और इंडियन कोस्ट गार्ड तीनों मिला के इसका मेंटेनेंस किया है। अभी उधर से हमारा ये बॉय लेके वेरावल में, ये पहला टाइम वेरावल में हम लगा दिया है। ये 15 मीटर ऊंडाई में डेप्थ में हम इंस्टॉल किया है। इसका फायदा यह है कि हमको डायरेक्ट वेव का पैटर्न मिलेगा, और ये फिशरमैन को बहुत फायदा वाला है। मतलब वेव का कितने इंटेंसिटी में आएगा, इसका ऊंचाई और पौड़ाई, मतलब इसका अप एंड राइस मूवमेंट हमको जल्दी मिलेगा। ये फिशरीज के अलावा इंजीनियरिंग कॉस्टल इंजीनियरिंग और बहुत एप्लीकेशन है, और इसका क्लाइमेटिक चेंज के बारे में भी इसका इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। और ये इंस्ट्रूमेंट अभी दरिया में सोमनाथ मंदिर के पास हम डाल दिया है। उधर से इसका कम्युनिकेशन डायरेक्टली सैटेलाइट जाएगा। सैटेलाइट से हमारा एक ऑफिस में एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, और ये इंस्ट्रूमेंट को ये रिसीव करेगा। ये डाटा इधर से इनकोइस और NIO तीनों इंस्टीट्यूट को, इनकोइस, NIO और CIFT तीनों इंस्टीट्यूट को ये डाटा मिलेगा, और उधर से इनकोइस ये प्रोसेस करके फिशरमैन और अदर एजेंसी को दे रहा है। ये इसका, इसको वेव राइडर बॉय बोलता है, WRB बोलता है शॉर्ट फॉर्म में। सर एक्चुअली इसमें क्या है, ये वेव के ऊपर ज्यादा डाटा मिलेगा हमको। वेव का मतलब मून के ऊपर भी आप सबको पता है वेव का पैटर्न कैसा होता है, मतलब टाइड का पैटर्न कैसा होता है, मून का इफेक्ट में होता है, वो भी हमको डाटा मिलेगा। वो फिशरमैन के बहुत कब कितना वाटर लेवल कितना होता है, और कब उसको फिशिंग को जा सकते हैं, इसका भी डाटा मिलेगा समुद्र में। एक्चुअली ये जनवरी महीने में हम लगा दिया है। इधर से एक्चुअली इसका वजन है 200 किलोग्राम है, और इसका सर्कमफ्रेंस है 1 मीटर। इधर से हम फिशरमैन के हेल्प के साथ हम इधर से ये लेके दरिया में गया, और इसमें क्या है, कॉन्क्रीट ब्लॉक लगा दिया है। मतलब एक कॉन्क्रीट ब्लॉक के साथ एक रबर कोड है, एकदम लंबा वाला कोड है, इसमें बांध लिया है। इसका पूरा सर्कमफ्रेंस है 50 मीटर। ये पूरा ये सर्कुलेट करेगा, इसका सर्कमफ्रेंस है 50 मीटर। और फिशरमैन के साथ ही हम किया है। इसके डालने के बाद हम फिशरमैन को एक मीटिंग रखा है, स्टेक होल्डर मीटिंग बोलता है। इसके लिए फिशरमैन लीडर्स और कोस्ट गार्ड का रिप्रेजेंटेटिव और तीनों और CIFT का वैज्ञानिक तीनों मिला के इसका अवेयरनेस प्रोग्राम एक किया है। इसमें इसका प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, चीफ इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर VR मधु, वो कोच्चि से है, वो भी ये मीटिंग के लिए आ गया। और ये मीटिंग पे हम
फिशरमैन को पूरा डिटेल दे दिया है, उसका फायदा क्या है, उसको मेंटेनेंस क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अभी ये सेलेक्ट किया है उधर फिशिंग ज्यादा नहीं है, अगर फिशरमैन वो रास्ता पे जाते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखने का, मतलब इसका कोड का साइज बहुत लंबा है इसलिए उसका ये प्रोपेलर में ये लगाने के लिए चांस ज्यादा है, इसलिए अगर लगा दिया तो थोड़ा आराम से इसका मतलब अनवाइंड करने का और छोड़ने का, कट मत करने का, फिशरमैन कट किया तो वे बहुत परेशान हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए हम अगर हमको कुछ हेल्प चाहिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमको हेल्प ऑफर किया, इसलिए हम फिशरमैन और कोस्ट गार्ड हमारा इंस्टीट्यूट एक मीटिंग करके इसका इम्पोर्टेंस फिशरमैन को बोल दिया एक्चुअली इसका। हाँ, ये तो हम पहली बार हम लगाए हुए ये गुजरात स्टेट में पहली बार लगाया हुआ है और पोरबंदर में भी लगाया हुआ हूँ, लेकिन ये तो पहली बार है गुजरात में लगाया हो, और इसमें वेदर का जो भी फोकसिंग है इससे मिलेगा, हम डेटा जो भी मिलेगा वो अपलोड करेगा, वो इनकॉइस नाम का एक संस्थान है उधर अपलोड करेगा, और वो ये सब जो भी डेटा है वो इनका क्या एनालिसिस करेगा, और इसके बाद हमको वेव का जो भी क्या फोकसिंग है वो मिलेगा इसके।